हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल विश्व में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको गोदाम की वायरिंग कनेक्शन में बताने जा रहा हूं। दोस्तों बड़े बड़े गोदामों में लाइन से बहुत सारी लाइटें लगी रहती है। जैसा कि मैंने ये चार बल्ब लाइन से लगा दिया है, वैसे दूरी दूरी पर गोदामों में बहुत सारी लाइट लगी रहती है और एक गेट होता है एंट्री करने वाला। तो इस गेट के रास्ते कोई भी अंदर जाएगा तो एक स्विच को टच करेगा तो पहला बल्ब जल जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा तो दूसरे स्विच को ऑन करेगा तो दूसरा बल्ब जल जाएगा और पहला बंद हो जाएगा, फिर वैसे ही आगे बढ़ेगा तो तीसरे स्विच को टच करेगा तो तीसरा बल्ब जल जाएगा और पहला जो दूसरा नंबर का बल्ब था वो बंद हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा तो चौथे नंबर का स्विच को ऑन करेगा तो चौथा नंबर का बल्ब जल जाएगा और तीसरा नंबर का बल्ब बंद हो जाएगा। वैसे ही जितना बल्ब रहेंगे जलाता जाएगा और पीछे से एक एक बल्ब बंद होते जाएगा, मतलब एक ही स्विच से एक जलेगा और एक बंद होगा और फिर इधर से जब वापस वो आएगा एक बल्ब को बंद करेगा तो दूसरा नंबर वाला ये वाला बल्ब जल जाएगा, पीछे वाला बल्ब बंद हो जाएगा और फिर इसको बंद करेगा तो ये बंद हो जाएगा और ये जलेगा, मतलब रास्ता उसको दिखाई देते रहेगा और ऐसे करके लास्ट वाले स्विच को बंद करके और दरवाजा बंद करके वो चला जाएगा। तो दोस्तों ये सारे कनेक्शन मैं बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा, तो आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इस गोदाम की वायरिंग को समझाने के लिए मैं चार बल्ब का प्रयोग कर रहा हूँ। हो सकता है अगर लंबी गोदाम हो तो उसमें चार से ज्यादा बल्ब लगे, तो इसमें जितना बल्ब चाहे उतना का प्रयोग किया जा सकता है, गोदाम की लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों जितना बल्ब होगा उतना ही स्विच होगा दोस्तों, लेकिन उसमें एक वन वे स्विच रहेगा और बाकी टू वे स्विच रहेगा। जैसे कि इसमें चार बल्ब है तो चार स्विच है, तो जिसमें तीन टू वे स्विच है और एक वन वे स्विच है। वन वे स्विच में दो टर्मिनल होते हैं और टू वे स्विच में तीन टर्मिनल होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं तीन टू वे स्विच लिया हूँ और एक वन वे स्विच। दोस्तों वन वे स्विच गेट के पास रहता है, गोदाम का जो दरवाजा होता है उसके पास रहता है कि जैसे कोई एंट्री करेगा तो सबसे पहले वन वे स्विच को ऑन करेगा तो एक लाइट जलेगी। तो आइए दोस्तों इसका कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन के लिए कुछ वायर के टुकड़े चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं कुछ वायर के टुकड़े काट लिया हूं। तो सबसे पहले वन वे स्विच से कनेक्शन किया जाएगा क्योंकि ये गेट के पास रहता है, दरवाजे के पास रहता है। वन वे स्विच के किसी भी एक टर्मिनल से एक वायर का टुकड़ा हम जोड़ेंगे और इस स्विच के बाद वाले टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे। अब एक और वायर का टुकड़ा लेंगे और इस टू वे स्विच के निचली टर्मिनल से इस टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे। अब दोस्तों एक और वायर का टुकड़ा लेंगे और इस टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से आगे वाले टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे। तो दोस्तों मैंने स्विच को कनेक्ट कर लिया है एक दूसरे के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब बारी आती है होल्डर की। बल्ब वाले होल्डर में दो टर्मिनल होते हैं जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, एक न्यूट्रल के लिए होता है और एक फेज के लिए होता है। दोस्तों सब में दो दो टर्मिनल है। अब इसमें हम कनेक्ट करेंगे तो मैं कुछ वायर के टुकड़े काट रखे हैं, हरा कलर का और लाल कलर का। तो हरा कलर का वायर का प्रयोग मैं न्यूट्रल के साथ करूंगा दोस्तों, आप चाहे जिस कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए सभी न्यूट्रल को एक दूसरे के साथ अटैच करके कॉमन बना लेते हैं क्योंकि न्यूट्रल एक ही होता है सभी होल्डर में। तो दोस्तों होल्डर के एक एक टर्मिनल में मैं लाइन से हरा तार का कनेक्शन कर लिया हूं, देख रहे हैं आप, और एक वायर मैं निकाल दिया हूं कनेक्शन देने के लिए ये जो है। अब बारी आती है फेज वाली वायर की, तो इसे हम लाल तार से प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों सब में एक एक लाल तार इस प्रकार से जोड़ लेते हैं जिस प्रकार से इस होल्डर में जोड़े हुए हैं। तो दोस्तों होल्डर का भी कनेक्शन हो गया है, अब इस होल्डर को हम सीधा कर लेते हैं। अब दोस्तों इस स्विच के साथ इन चारों होल्डर को कनेक्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले पहला नंबर जो गेट के पास दरवाजे के पास जो होल्डर है उसका कनेक्शन करते हैं। तो इस होल्डर का कनेक्शन टू वे स्विच में होगा, जो दूसरे नंबर में टू वे स्विच लगा होगा। दूसरे नंबर के स्विच यानी टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में पहले नंबर का होल्डर का वायर जोड़ देंगे जैसा कि मैं जोड़ रहा हूँ। अब दूसरे नंबर का होल्डर का वायर तीसरे नंबर के टू वे स्विच के ऊपर वाले कनेक्टर में जोड़ेंगे। अब तीसरे नंबर के होल्डर को चौथे नंबर के जो स्विच है जो टू वे उसके ऊपर वाले कनेक्टर में जोड़ेंगे और लास्ट होल्डर यानी चौथे नंबर के होल्डर को इसी टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये आखिरी बल्ब का कनेक्शन है,
अगर आपके पास और ज्यादा बल्ब हो, जितना बल्ब ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतना टू वे स्विच आगे तरफ बढ़ते जाएंगे और सेम इसी प्रकार से कनेक्शन होते जाएंगे। तो दोस्तों ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया, अब इसमें हमें मेन सप्लाई देना है। न्यूट्रल के लिए ये हरा वायर पहले से ही निकाल रखा हूँ मैं, जो सभी होल्डर में कॉमन के साथ जुड़ा हुआ है ये। और फिर यहाँ पे दोस्तों जो वन वे स्विच के जो एक टर्मिनल खाली है यहाँ पे इसमें जाएगा। इसमें मैं एक लीड का प्रयोग कर रहा हूँ जिसमें लाल और काला वायर लगे हुए हैं, जिससे मैं एसी 220 वोल्ट इसमें दूंगा। इस पर टेप लगा ले रहा हूँ सेफ्टी के लिए। और ये फेज वाले वायर को वन वे स्विच के खाली जो टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्शन ओके हो गया है, यही कनेक्शन है। आप एक बार और ध्यान दीजिए इस वीडियो पर। इसके बाद से इस स्विच को सीधा कर लेते हैं। स्विच को सीधा भी कर लिया है और बल्ब भी लगा लिया है चारों होल्डर में। अब आइए दोस्तों इस कनेक्शन को एक छोटी सी डायग्राम अनुसार समझ लेते हैं। ये वन वे स्विच है, ये लाइन वाली सप्लाई हमारा वन वे स्विच के एक टर्मिनल में आ रहा है और वन वे स्विच के दूसरे टर्मिनल से जो सप्लाई जा रहा है वो टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में जा रहा है और फिर टू वे स्विच के निचली टर्मिनल से जो सप्लाई जा रहा है अगले टू वे के बीच टर्मिनल में जा रहा है और फिर इसी टू वे के निचली टर्मिनल से जो कनेक्शन आउट कर रहा है वो अगले टू वे के बीच वाले टर्मिनल में जा रहा है। और इसके बाद से जो न्यूट्रल यहाँ आप देख रहे हैं बल्ब का, ये सारे न्यूट्रल एक साथ कनेक्ट हो गए हैं, जैसा कि मैं हरा वाला वायर से कनेक्ट कर दिया हूँ और एक न्यूट्रल ये हरा वाला वायर काले वाले वायर में यानी ये न्यूट्रल में जोड़ दिया हूँ। और यहाँ पे सारे बल्ब का एक एक करके सप्लाई इस टू वे स्विच के ऊपरी वाले टर्मिनल में आ गया है, इस बल्ब का इसमें और इस बल्ब का इसमें और लास्ट वाले बल्ब का निचले टर्मिनल में आया है दोस्तों, टू वे स्विच के निचले टर्मिनल में। तो ये रहा कनेक्शन डायग्राम दोस्तों, इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आइए अब इसे टेस्ट करके देखते हैं सप्लाई देकर कि ये कैसा वर्क करता है। तो दोस्तों मैं इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ, यहाँ से सप्लाई मैंने ऑन कर दिया है। अब दोस्तों जैसे ही कोई गोदाम के अंदर घुसेगा और स्विच ऑन करेगा तो बल्ब जल जाएगा, रोशनी मिलने लगेगा तो आगे बढ़ेगा, तो दूसरा स्विच ऑन करेगा तो आगे वाला बल्ब जल जाएगा और पहले वाला बल्ब बंद हो जाएगा, जैसे कि ये बंद हो गया है। और फिर आगे बढ़ेगा और स्विच को ऑन करेगा तो तीसरा नंबर वाला बल्ब जल जाएगा और पीछे वाला बल्ब बंद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेगा, स्विच को ऑन करेगा तो चौथा नंबर वाला बल्ब जल जाएगा और उसके पीछे वाला बल्ब यानी तीसरा नंबर वाला बल्ब बंद हो जाएगा। फिर उधर से गोदाम की मुआयना करके जब वापस लौटेगा तो लास्ट वाले बल्ब को बंद करना चाहेगा, तो जैसे बंद करेगा तो उसके पहले वाला बल्ब जल जाएगा और फिर इसको बंद करेगा तो उसके पहले वाला बल्ब जल जाएगा, तो फिर इसको बंद करेगा तो सबसे पहले वाला बल्ब जल जाएगा और इसको बंद करके वो बाहर निकल के गेट को बंद कर देगा। तो दोस्तों इस प्रकार से गोडाउन वायरिंग किया जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखे और समझे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और इसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों और बेल आइकन भी दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।